मैं पुलकित अग्रवाल आज आपका स्वागत करता हूं दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल गेम में, यस इट्स एल क्लासिको। और जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो जाके आईपीएल देखे। वैसे खत्म होने वाला है बट ठीक है, देख लो यार। मेरे साथ है मेरे कलीग कुणाल। आप रियल नेट के फैन हुआ करते थे? वैसे थे क्या? अभी भी हैं, मतलब अभी तो कमेंटेटर हैं बट हुआ करते थे। अभी मैंने सुना है कि आप बारसा के फैन हुआ करते थे। क्या कह सकते हैं उसमें, मैसी खेलते ही ऐसा है पर क्या कर रहे हैं अब। बट ड्यूटी कॉल्स ना। ड्यूटी कॉल्स। और दोनों टीम्स के फैंस को बहुत इंतजार रहता है इस मैच का। वैसे तो पूरी दुनिया को इंतजार रहता है इस मैच का क्योंकि ये है एल क्लासिको। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आज रामोस ने फैसला किया है कि मेसी को तोड़ेंगे। वो तो 2005 में लिया था, अभी तक नहीं चल रहा। लेकिन वो बट आज बोले हैं वो, या तो वो या मैं। जी चलिए बात छोड़ते हैं ऐरी गहरी बातें क्या करना, आगे की बात पे ध्यान दिया जाए। मुझे आज भी याद है जब रोनाल्डो खेला करते थे मैड्रिड की तरफ से, तो बड़े भैया इतना अच्छा खेलते थे कि बार्सिलोना को कई बार उन्होंने धूल चटाई है और दूसरी टीम्स को भी उन्होंने कई बार अकेले अपने दम पर धूल चटाई थी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ, बार्सा रियल मैड्रिड को उस टाइम पे 4-0, 5-0 से भी हराया करती थी। हाँ तो, और रोनाल्डो भैया भी तो जब तेज तेज शॉट मारते थे, इतना तेज मारा था एक बार तो कि पीके का चड्डा उतर गया था। चड्डा, ये क्या बात थी, चड्डा क्या? वो तो आप मैच की रिकॉर्डिंग देखिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। जी चलिए ये बातें तो होती रहती हैं, अब दूसरी बातों पे ध्यान दिया जाए। मैच स्टार्ट होने वाला है और ये टीम्स लाइनअप पे आ गई हैं और सारी की सारी देखिए मैसी खड़े हैं और रामोस भी खड़े हैं। जी जी बिल्कुल खड़े हैं। वैसे आपको ध्यान होगा मैसी धूल चटा देते थे रामोस को एक टाइम पे, अभी भी चटाते हैं। बाकी स्कोर की बात है, स्कोर बाद में देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है आज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफी अच्छी पासिंग करती नजर आ रही है बार्सिलोना और ये और रियल मैड्रिड ने कर दिया इंसेप्ट और अब काउंटर प्ले पे है और उन्होंने पास दिया है बेंजेमा को और बेंजेमा ने पास दिया है वाल्वेद्रे को और वाल्वेद्रे गोल इतनी जल्दी। इट वाज अ नाइस प्ले। वाल्वेद्रे वाल्वेद्रे ये नाम पीछा नहीं छोड़ेगा कुछ समय तक बार्सिलोना का। ठीक है अभी मैच चलने वाला है ना आगे, अभी एक ही तो गोल हुआ है। एक तो हुआ ना, देखते हैं। और ये लॉब पास दिया जॉर्डी अल्बा को और जॉर्डी अल्बा ने पास दिया अंशु पार्टी को और ये गोल और ये पहला कदम जीत की तरफ बार्सिलोना लेती है। क्या जीत, अभी गेम चल रहा है। हाँ और मजा भी आने लगा है, आप देखिए कितना 17 साल के अंशु ने पूरे रियल मैड्रिड के आंसू निकाल दिए हैं। और ये काफी अच्छी पासिंग करते हैं बार्सिलोना और ये क्या वरान ने कर दिया है इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट करके पास दिए क्रूस को और क्रूस ने पास दिया मॉड्रिच को और मॉड्रिच ने पास दिया बेंजेमा को और बेंजेमा यस। तो पुलकित आप बताइए, ये रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता ही होगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जितना मैंने देखा है तो टेबल पे अभी टॉप पे है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना वैसे कौन से नंबर पे है? वैसे है तो अभी वो 4-5 के आसपास। अगर पर ये मैंने जब टॉप 10 पे देखा था तब तो नहीं थी, अगर हो तो ये ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर ये मैच जीत गई तो वो फर्स्ट। अगर आपने जैसे सुना होगा कि इन्होंने लगाया अगर जो कभी होता नहीं है और ये अगर अभी होने वाला भी नहीं है। और रियल मैड्रिड को मिला है सेट पीस और क्रूस ने डाली बॉल बॉक्स के अंदर और अनप्रोफेशनल गेम प्ले। ऐसे कोई गिराता है क्या? एक तो ये बार्सिलोना ने कभी भी चीटिंग करना छोड़ा ही नहीं है। चीटिंग कौन छोड़ना क्या मतलब है, कौन चीटिंग? 2009 यूएफए तो याद ही होगा और एफिलोना तो खैर पूरी दुनिया जानती है। चलिए छोड़िए ये बातें, क्या करना मैच में आगे देखते हैं क्या होने वाला है। और ये पेनल्टी मिल चुकी है अब रियल मैड्रिड को, ये मैच के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे गोलकीपर भी काफी अच्छे हैं, वो रोक सकते हैं। ज्यादा बॉल रोकते हुए तो देखा नहीं है और काफी मुश्किल होती है जब रामोस पेनल्टी लेते हैं। और ये गोल, बोला था कि यहां पर ये बार्सिलोना के लिए उठना थोड़ा हार्ड होगा, पर ये रियल मैड्रिड के लिए एक अच्छी खबर, 2-1 से आगे होते हुए रियल मैड्रिड। और यहां पर मेरे साथी को थोड़ा सा शायद दुख होते हुए, पर ये कोई बात नहीं है, दुख के आंसू हो सकते हैं या खुशी के आंसू, पता नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गोल मारा रामोस ने
खैर कह सकते हैं पेनल्टी तो नहीं थी ये, पर क्या करें अब रोने वाले को तो कौन ही रोक सकता है, क्योंकि रोने वालों का कोई भी नहीं होता। जब वो याद होगा 2009 में जब बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 6-2 से हराया था, छड़ी का दूध याद दिला दिया था रियल मैड्रिड को बार्सिलोना ने उस वक्त, तो ऐसा अभी भी हो सकता है। वैसे पुरानी बात को अब क्या याद करना, वो काफी पहले की बात थी, बट अब का सिनेरियो अलग है। पहले की बात थी पर हुआ तो था ना, तब भी हो सकता है। और ये मॉड्रिच के पास बॉल, और उन्होंने दिख रहा है कि बेंजिमा खाली है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये बॉल बेंजिमा के पास जाएगी। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने गोलकीपर, और ये शानदार आउटपुट के साथ गोल। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथी इस चीज को संभाल पाएंगे, बट इनसे पूछना तो पड़ेगा ही। तो आपका क्या विचार है इस 3-1 की लीड का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, कभी कभार हार जीत तो चलती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग लीग जीतेंगे, मैच नहीं जीत पाए तो क्या हुआ। वैसे 3-1 काफी अच्छा मार्जिन होता है, एल क्लासिको में ये देखने को कम मिलता है कि 3-1 से मैड्रिड, हमेशा से देखने को मिलता है वैसे, बट मैड्रिड हमेशा से जीतती आई है एल क्लासिको में, हमेशा से मैड्रिड का पलड़ा भारी होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं है ऐसा? आपको 2009 याद दिलाए, हम 6-2 से हराया था हमने, 4-0 से हराया था 2014 में। अब 3-1 तो मैंने नहीं गिनाया ना आपको, बट आप गिना रहे हो, और इतनी पुरानी बात कौन गिनाता है। अभी आप बोले हार जीत चलती रहती है, बट ये लेटेस्ट जीत है मैड्रिड की। Hey guys, if you like this video then like, comment, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि आपको और वीडियोस ऐसे देखने हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए बताइए बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल।